Hindustan.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भालुरे। कमलनाथ सरकार के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र हनी बघेल ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ जमानत मामले को लेकर कहा कि स्वास्थ्य खराब है कहकर बेल पर साध्वी अगर चुनाव कंटेस्ट कर रही है मतलब स्वास्थ्य ठीक है, कोर्ट में असत्य जानकारी दी है, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मुंबई की NIA कोर्ट को की गई शिकायत में उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाए बल्कि साध्वी की उम्मीदवारी रद्द करने की भी अपील की। गौरतलब है कि 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके में निसार सईद ने अपना बेटा खो दिया था। इस पर NIA कोर्ट के न्यायाधीश VS पाडलकर ने NIA और प्रज्ञा से जवाब मांगा है। इस मामले में कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाकर जमानत लेने वाली प्रज्ञा ठाकुर कड़कड़ाती धूप में भोपाल में चुनाव प्रचार करेंगी। सईद ने आरोप लगाया कि साध्वी ने कोर्ट को गुमराह किया है। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में है। इधर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने सीहोर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाकर बेल पर हैं। अब ऐसे में वे भाजपा की उम्मीदवार हैं और चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसका मतलब वे बीमार नहीं हैं। कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा के हिंदू प्रत्याशी खड़ा करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि क्या हम हिंदू नहीं हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।